दोस्तों एक ही कॉलम में मंथ, सेल्स और प्रॉफिट दिया गया है। अब अगर इसको अलग अलग कॉलम में ले जाना है तो आप VBA का यूज़ करते होंगे या फिर गूगल पर अलग अलग ट्रिक्स और टिप्स सर्च करते होंगे, फिर भी कोई परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। तो आज हम इसी के कुछ ऐसे फार्मूले और ट्रिक्स बताएंगे जिसकी मदद से आप अपने डेटा को मल्टीपल कॉलम में आसानी से कर सकते हैं। तो मैं हूँ गुफरान टाइपिस्ट। वीडियो को पहले ही कर दीजिए लाइक और मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एक्सेल ओपन कर रखा है। यहाँ पर जो डेटा है वो एक ही कॉलम में है, जैसे कि यहाँ पर हमारा मंथ हो गया और ये जो है ये हमारा सेल का फिगर हो गया। इसके बाद ये हो गया हमारा प्रॉफिट का फिगर, ओके। इसी तरह सभी मंथ में ये मंथ हो गया और ये सेल का फिगर हो गया। इसके बाद ये प्रॉफिट का फिगर हो गया। तो दोस्तों अब हम इनको अलग अलग कॉलम में लेकर आने वाले हैं। अलग अलग मतलब कि एक कॉलम में मंथ आ जाएगा और दूसरे कॉलम में सेल्स हो जाएगा, फिर लास्ट में प्रॉफिट हो जाएगा। तो दोस्तों इनको अलग अलग करने के लिए सबसे पहले इस सेल में अप्रैल मंथ का सेल रेफरेंस लेना है। तो अप्रैल मंथ का सेल रेफरेंस हो गया A2। A हो गया हमारा कॉलम और 2 हो गया रो का नंबर। तो यहाँ पर हम A2 मेंशन कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमको अप्रैल मंथ का ही सेल का सेल रेफरेंस लेना है। तो ये हो जाएगा हमारा A3। A हो गया हमारा कॉलम और 3 हो गया रो का नंबर। इसी तरह अब आपको यहाँ पर प्रॉफिट का सेल रेफरेंस लेना है। तो यहाँ पर A4 हो जाएगा क्योंकि A हो गया हमारा कॉलम और 4 हो गया हमारा रो नंबर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमको माई मंथ का सेल रेफरेंस दिखाना है। तो माई मंथ का सेल रेफरेंस हो गया A5। तो इसके लिए हम यहाँ पे A5 मेंशन कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो माई मंथ का सेल फिगर है उसका सेल रेफरेंस लेना है। तो ये हो जाएगा A6। A हो गया हमारा कॉलम और 6 हो गया रो नंबर। इसी तरह यहाँ पर प्रॉफिट का सेल रेफरेंस लेना है। तो ये हो जाएगा A7। दोस्तों अगर आपको किसी भी सेल का सेल रेफरेंस नहीं पता है, यानी कि आप सेल रेफरेंस नहीं जान पाते हैं, तो जिस सेल का रेफरेंस ना मालूम हो उस सेल पर अपना कर्सर रखिए। जैसे हम इस सेल पर अपना कर्सर रख देते हैं, इसके बाद सबसे ऊपर यहाँ पर देखिए सेल रेफरेंस आ जाता है, ओके। तो दोस्तों इतना करने के बाद अब आपको एक छोटा सा काम करना है। वो ये है कि आपको इन सभी के आगे 2 लेटर टाइप कर देना है। जैसे कि हम इस पर डबल क्लिक करते हैं, इसके बाद यहाँ पर GT टाइप कर देते हैं। इसी तरह इन सभी पर डबल क्लिक करके इसके होम में GT टाइप कर देना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर आप MG भी लिख सकते हैं या आपकी जो मर्जी हो वो लिख सकते हैं, ओके। दोस्तों इन सभी सेल में हमने GT मेंशन कर लिया। इसके बाद आपको इन सभी का सिलेक्शन इस तरह से कर लेना है। सिलेक्शन करने के बाद आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए जहाँ तक आपका डेटा टाइप है वहाँ तक इस तरह से ड्रैग कर लेना है। तो यहाँ पर जो आपका सेल रेफरेंस होगा वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसके बाद Ctrl+H यानी कि Ctrl+H को प्रेस करना है। अब यहाँ पर आपको फाइंड व्हाट में GT टाइप करना है, क्योंकि इन सभी सेल के आगे आपने GT मेंशन किया है, इसलिए आपको यहाँ पर GT टाइप करना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन रिप्लेस विद में इक्वल टू का साइन लगा देना है। इसके बाद नीचे रिप्लेस आल के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारा जो काम था वो पूरा हो चुका है, यानी कि जो डेटा एक ही कॉलम में था वो अलग अलग कॉलम में आ चुका है। दोस्तों अगर आप चाहें तो बचे हुए 0 को सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। ये इसलिए आ गए कि हमने इतनी रेंज सिलेक्ट किया था। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और टिप्स जानेंगे। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।